नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पहली बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,789 मरीज बढ़े, 132 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण का आंकड़ा 1,12,000 के पार निकल गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 5,789 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 3,002 लोग ठीक भी हुए, वहीं 132 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में अब इस जानलेवा वायरस के 1,12,359 मरीज सामने आए हैं। वहीं 45,300 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। अब तक 3,435 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 जून से चलेंगी यात्री ट्रेनें, टिकटों की बुकिंग शुरू, इन नियमों का रखना होगा ध्यान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने बुधवार को 900 जोड़ी यात्री ट्रेन की सूची जारी की, जिनका परिचालन 1 जून से होगा। इनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें भी शामिल हैं। इससे पहले जारी एक बयान में रेलवे ने कहा था कि ट्रेनें पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी, किंतु बुधवार को उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों में एसी और गैर एसी दोनों तरह के कोच होंगे, जो पूरी तरह से आरक्षित होंगे। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों में सभी यात्रियों को सीट उपलब्ध कराई जाएंगी तथा इन ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। इसके लिए आरक्षण शुरू हो चुका है। रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों के लिए ई टिकट IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से जारी किए जाएंगे। इनके लिए आरक्षण केंद्रों या रेलवे स्टेशनों से कोई टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अग्रिम आरक्षण अवधि अधिकतम 30 दिन की रहेगी तथा वर्तमान नियमों के तहत RAC और प्रतीक्षा सूची बनी रहेगी। बहरहाल प्रतीक्षा सूची वाले टिकट धारकों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों के लिए कोई अनारक्षित टिकट नहीं जारी किया जाएगा और न ही ट्रेन पर सवार होने के बाद कोई टिकट दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, अम्फान तूफान का कहर, बंगाल में 12 लोगों की मौत, हजारों मकान नष्ट हो गए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मचाई तबाही। तूफान की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई और हजारों घर नष्ट हो गए। उपराष्ट्रपति ने चक्रवाती तूफान से मरने वालों की मौत पर शोक जताया। वहीं कोलकाता हवाई अड्डे के एक हिस्से में अम्फान की वजह से पानी भर गया। दरअसल आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति M.V.नायडू ने चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण लोगों की मौत पर गुरुवार को शोक जताया और समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रशासन की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने उपराष्ट्रपति के हवाले से ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में चक्रवात के कारण हुई जानमाल की क्षति तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति और फसलों को हुए व्यापक नुकसान से व्यथित और चिंतित हूँ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तबाही मचाने वाले अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, हजारों मकान नष्ट हो गए और निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं अगली बड़ी खबर, 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू विमान सेवाओं के लिए गाइडलाइन से जारी, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 25 मई को देश में घरेलू विमान सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, यानी डोमेस्टिक एयर ट्रेवल को खोल दिया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनल SOP के तहत गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें बताया गया कि 25 मई से घरेलू यात्रियों को किन किन नियमों का पालन करना होगा। वहीं घरेलू यात्रा के लिए पैसेंजर 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही अंदर एंट्री होगी। 14 साल से अधिक उम्र वाले पैसेंजर के लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है। आरोग्य सेतु ऐप में अगर ग्रीन नहीं दिखा तो एंट्री नहीं मिल पाएगी। यात्रियों को अपनी पर्सनल गाड़ी या अधिकृत टैक्सी सर्विस का उपयोग करना होगा। यात्रियों को ट्रॉली के उपयोग से कम करना होगा। यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस का सवाल, क्या सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने कोरोना संकट से निपटने और लॉकडाउन से जुड़ी रणनीति को लेकर बुधवार को सवाल किया था, क्या केंद्र सरकार ऑटो पायलट पर चल रही है और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया, कोरोना वायरस के संकट के समय विभिन्न समितियों एवं कार्यबल को दरकिनार किया जा रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति के स्तर पर फैसले हो रहे हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, सरकार ने कोई संवेदनशील और क्षमता नहीं है, वह इस सरकार की पहचान बन गई है। बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया गया, सिर्फ 3 मई से 18 मई के बीच मामले 28,000 से 1,00,000 से ऊपर पहुंच गए। वहीं आपको बता दें कि सिंघवी ने यह दावा किया, कोरोना जांच के मामले में भारत अभी दुनिया के कई देशों से पीछे है, यहां प्रति हजार लोगों पर सिर्फ 1.67 जांच हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से गठित COVID-19 कार्यबल ने आंकड़ों की बाजीगरी की है। वहीं अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए गुड न्यूज, लखनऊ से दिल्ली और मुंबई के लिए चलेंगी ये ट्रेनें, करा सकते हैं रिजर्वेशन, देखें गाड़ियों की लिस्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी के चारबाग रेलवे स्टेशन और लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन दिल्ली और मुंबई जाने वाली यात्रियों की भीड़ उमड़ेगी।
रेलवे 1 जून से स्पेशल ट्रेनों के रूप में करीब 200 ट्रेनें शुरू करने जा रहा है। इसमें राजधानी के चारबाग और लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन, एक बार फिर लखनऊ मेल और पुष्पक एक्सप्रेस जैसी 1.5 दर्जन ट्रेनें गुजरेंगी व चलेंगी। इन ट्रेनों में गुरुवार को सुबह 10 बजे बुकिंग शुरू हो चुकी है। ट्रेनों में बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन हो रही है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को रेलवे की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इन ट्रेनों की खास बात यह होगी कि स्पेशल ट्रेनों होने के चलते इन ट्रेनों के नंबर 0 से शुरू होंगे। इसके साथ ही 12 जून से रेलवे 23 जून तक एसी स्पेशल ट्रेन भी चलाएगा। ट्रेनों में सामान्य किराए के साथ एसी स्लीपर और जनरल तीनों कोच होंगे। यात्रियों को इन ट्रेनों को पकड़ने के लिए 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करेगी छत्तीसगढ़ सरकार, जाना इसमें क्या क्या होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए आज यानी गुरुवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई यानी आज के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में इस योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश में अपने तरह की एक बड़ी योजना है। योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित राज्य के मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच मस्जिदों में नहीं घरों में होगी अलविदा जुमे की नमाज, जानिए घर पर कैसे करें इबादत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रमजान का पवित्र महीना अपने खात्मे पर है। इस महीने का आखिरी जुमा अलविदा कहलाता है। अलविदा के दिन मुसलमान विशेष एहतमाम करते हैं, मगर इस बार विशेष परिस्थिति के कारण अलविदा का वो दृश्य नहीं सामने आएगा जो अब तक पहले रहता था, बल्कि ये कहा जाए कि अलविदा जुमा बिल्कुल सूना सूना रहेगा और अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद को फिर से रेड जोन में डाल दिया गया। नोएडा में 31 मई तक बड़ी धारा 144। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से बुधवार को जारी नए दिशा निर्देशों में गाजियाबाद को फिर से रेड जोन में डाल दिया गया है। यूपी के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि उक्त मानकों के दृष्टिगत तथा संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के पश्चात जनपद आगरा, मेरठ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के नगरी क्षेत्र को रेड जोन में वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जिन जनपदों में पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई पुष्टि केस नहीं आया वे जिले ग्रीन जोन में हो जाएंगे। जो जिले रेड जोन अथवा ग्रीन जोन में वर्गीकृत नहीं है उन्हें ऑरेंज जोन में माना जाएगा। कोविड 19 के चलते लॉकडाउन के मद्देनजर जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 को 31 मई तक विस्तारित कर दिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त तो आशुतोष द्विवेदी ने बताया, कोविड 19 महामारी की वजह से भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 31 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया। इस संबंध में शासन एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 4 लाख प्रवासियों ने घर जाने के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में रह रहे करीब 4 लाख प्रवासियों ने अपने मूल प्रदेश जाने के लिए अब तक ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। घर जाने वाले प्रवासियों में मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बिहार के रहने वाले करीब 2 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है, जबकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले 1.84 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों ने पंजीकरण कराया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रेलवे को पत्र लिखकर अगले 4 दिनों में 262 ट्रेनों की मांग की है, ताकि सभी लोगों को उनके मूल प्रदेश भेजा जा सके। वहां आज दिल्ली सरकार ने पंजीकृत करीब 37,500 प्रवासी मजदूरों को 25 ट्रेनों की मदद से अपने मूल प्रदेश के लिए भेजा है। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से विभिन्न प्रदेशों के रहने वाले लोगों की संख्या में प्रवासी लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते सभी का रोजगार चला गया और वे बेरोजगार घर बैठे हैं। बेरोजगारी की वजह से वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, लिहाजा में वे अपने मूल प्रदेश जाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले अपने मूल प्रदेश जाने को इच्छुक प्रवासी मजदूरों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए कहा था। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बसों में नहीं बैठ सकेंगे 20 से ज्यादा यात्री, नियम न मानने पर मिलेगी ये सजा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन दोनों ही जनता को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में जनता को राहत देने के लिए परिवहन सेवाओं को शुरू किया गया है। दिल्ली में शुरू की गई परिवहन सेवा में वाहन चालकों को सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा। आदेशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि बसों में 20 से अधिक यात्री नहीं बैठ सकते हैं। यदि 20 से अधिक यात्री बैठ जाते हैं तो चालक बस नहीं चलाएगा। चालक, परिचालक और मार्शल अतिरिक्त सवारी से नीचे उतरने के लिए अनुरोध करेंगे और वे फिर भी नहीं मानते हैं तो पुलिस की मदद ली जाएगी। यदि बस में 20 से अधिक यात्रियों के बैठने की शिकायत मिलती है तो चालक, परिचालक और मार्शल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री ने उम्मीद जताई है कि धीरे धीरे सड़क पर डीटीसी और क्लस्टर की सभी बसें उतारी जाएंगी। कल करीब 3400 बसें सड़क पर उतारी गई थी। अगले 2 दिन में परिवहन सेवा सामान्य हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, WHO के पूर्व अधिकारी का दावा, वैक्सीन से फैलने खत्म हो सकता है कोरोना वायरस।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में 50 लाख से ज्यादा कोरोना केस हो चुके हैं। अब भी कोरोना का कहर खत्म नहीं होता दिखाई दे रहा है, लेकिन WHO के पूर्व अधिकारी का दावा है कि कोरोना मौत की तरफ बढ़ चला है और अपनी मौत मरेगा। कोरोना प्रोफेसर कैरोल सिकोरा का दावा है कि कोरोना हो सकता है कि वैक्सीन आने से पहले ही कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाए। वही अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर सामुदायिक रेडियो पर जागरूकता अभियान चलाएगी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सरकार कोरोना वायरस को रोकने के लिए अब सामुदायिक रेडियो के जरिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शुक्रवार को देश के करीब 300 सामुदायिक रेडियो को एक साथ संबोधित करेंगे और दर्शकों को कोरोना महामारी की रोकथाम के उपायों पर चर्चा करेंगे। जावड़ेकर ने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी दर्शकों को संबोधित करेंगे। यह पहली अनूठी पहल होगी जिसमें इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और सभी सामुदायिक रेडियो पर एक साथ दर्शकों को संबोधित किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि, सोशल मीडिया पर लिखी यह बात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आज 21 मई पर उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल से लिखा है, पूर्व पीएम श्री राजीव गांधी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान तूफान अम्फान का असर पूर्वोत्तर राज्यों पर दिखेगा। भले ही यह कमजोर हो गया, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश देता रहेगा। दक्षिणी केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक और शेष पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। विदर्भी, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में कई जगहों पर लू चलने की आशंका है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।